राम 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 सभी भाइयों बहनों को। तो डे 3 है वसा मशीन का, अपना ये अचुका कोटा लेके इस ट्राली को भरते हैं। वो मशीन चल रही है वहाँ पे, उसको अभी कट चुका है पूरा, और वसा मशीन अपनी वहाँ पे खड़ी है, उसको इधर इसमें लगा के और ये ट्राली फुल करते हैं फिर। तो बस भाइयों, अभी वसा मशीन स्टार्ट होने वाली है, इसी रूम में चलेगी देखो यहाँ पे। और कल अपना ये कट चुका था तो पूरा है, तीनों गड्ढे अपने हैं और एक टुकड़ी है छोटी सी, वो आगे दिख रही होगी पेड़ के बाजू में, वो है। तो पूरे में भूसा बनेगा आज, और भूसा मशीन चलेगी दिन भर आज, 7-8 बजे तक चलेगी। इसको फंसा लेते हैं, और वो ट्रॉली है वहाँ पे, इसको इसमें फिट करके और फिर चालू करते हैं रेडी। अभी 10-15 मिनट में साफ फंसा के इसमें और इसको रेडी करते हैं अभी। और ज़्यादातर ये जॉन डियर ही चलाता है हमेशा ही, कोवोटा तो वैसे बस अभी ढुलाई करता है, बस अभी एक ट्रॉली खाली करके ही आए हैं ये वाली बस, और एक बुखड़ी है वो वाली, उसमें गेहूँ पड़े हैं कुछ थोड़े बहुत, उसको भर पटक के फिर बस चलते हैं। फिर ये भूसा ट्रॉली भरा जाएगी आज, यहाँ पे शायद भरा जाएगी, आई थिंक आधे घंटे कुछ में भरा जाना चाहिए, आधे घंटे या 45 मिनट में, फिर चलते हैं इसको लेके। तो भाई ये भूसा बनना स्टार्ट हो गया है इसमें, क्योंकि नड़वाई कम है तो स्लो स्लो ही बनेगा काफ़ी, क्योंकि देखिए नड़वाई नहीं, नड़वाई अगर रहती है तो ऊपर से फटाफट काट देता है। अब इसमें जो देखिए, इसमें जो है नड़वाई नहीं है बिल्कुल, देखिए वो छोटी छोटी है बहुत ज़्यादा, इस गड्ढे में भी नहीं है, कहीं कहीं खाली है, बस थोड़ा बहुत ढेर लगा है उसमें बस। नड़वाई अगर रहती है तो फास्ट फास्ट भूसा बन जाता है, नड़वाई अगर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम आती है थोड़ी, जैसे कि देखिए अभी कितनी स्लो चल रही है, बिल्कुल आराम आराम से, आराम आराम से चल रही है। देखिए इसमें ज़्यादा तो नहीं बन पाएगा शायद, पूरे में अगर एक ट्रॉली भरा जाए तो बहुत बड़ी बात है, हो सकता है वो थर्ड गड्ढे में भरा जाए, मेरे को लगता तो नहीं भराएगी, तो देखते हैं अगर भराती है तो। और जो मशीनों में जो है, जो जगतजीत की, इसमें अपने को यही ध्यान रखना पड़ता है कुछ पत्थर वत्तर ना आए, तो उस कारण थोड़ी स्लो ही चलती है मशीन, और नड़वाई भी नहीं तो थोड़ी हल्की सी फास्ट हो जाती शायद बस। अभी देखिए आप, काफ़ी स्लो चल रही है मशीन, क्योंकि ज़्यादा इसमें क्या है नड़वाई है नहीं, तो उस कारण थोड़ी स्लो ही चला रहा है मशीन को। ये देखिए बहुत ही छोटी छोटी नड़वाई है, और बड़ी रहती है तो मशीन में भी फटाफट आती है और फटाफट भूसा बनता है और अच्छे से चलती है। वो देखो अभी थोड़ा भूसा निकल रहा है आगे से हल्का हल्का, क्योंकि अभी भराई नहीं है बिल्कुल खाली है, हवा जाती है अंदर तो वो उड़ के रिटर्न आ जाता है बाहर। और छोटी नड़वाई अगर रहती है तो बहुत दिक्कत ही रहती है, भूसा प्रॉपर बन नहीं पाता है। ये देखिए यहाँ पे एक इतना और बच्चा है, अब D&E होने वाला है इस गड्ढे का, अभी तो टाइम लगेगा क्योंकि स्लो चलो चल रही है, लड़वाई ज़्यादा है नहीं, वो तो देखो प्रॉपर वैसे ले नहीं पाती है। ये देखिए तो मशीन में जो है चक्रे में जा नहीं पा रही है, ये देखिए नीचे ही नीचे है बिल्कुल चक्रे से, और इस कारण थोड़ा उसको लग के और थोड़ी सावधानी से चलाना पड़ता है मशीन को। वो देखिए लक्का जो है जो प्रॉपर वे में बनाते हैं, देखिए कितनी नीचे से लेते हैं, बिल्कुल जमीन जमीन दिखने लगती है मट्टी नीचे की। ये देखिए बिल्कुल एक रो में लेते हैं प्रॉपर, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दिया, कुछ रो यहाँ पे लेंगे एक बार, और वो देखिए उस पर उस तरफ भी मट्टी दिखने लगी है। तो इससे क्या होता है, नीचे चलाने से भूसा भी अच्छा बनता है, और नड़वाई जलाने की ज़रूरत भी नहीं है इसमें, डायरेक्ट अपन रोटर वीटर चला देंगे इसमें। तो अब भाई अब इस गड्ढे में कूद चुकी है यहाँ पे इस रो में, ये वाला देखिए क्लियर हो गया है बिल्कुल, कल इसमें रोटर वीटर चला देंगे अपन। अब इस रो में शायद इस गड्ढे में जहाँ तक है आखिरी तक, हो सकता है शायद ट्रॉली भरा जाए, कम चांसेस है, देखते हैं भराती है कि नहीं। तो देखिए स्लो स्लो चल रही है क्योंकि नड़वाई ज़्यादा है नहीं इसमें, इसलिए थोड़ी स्लो ही चलेगी। तो देखिए और इसमें से उड़ रहा है भूसा, क्योंकि ज़्यादा कहीं कहीं से खुले हैं डाले ऐसे, जैसे पीछे से देखिए आप, ये देखिए उस छेद में से बाहर आ रहा है बीच में से बिल्कुल,
उसमें अभी वो लगा देंगे वो हैवी कॉल से, उसमें जब बाहर नहीं जाएगा उससे ज़्यादा। और भाई वो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना आप, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसे कंटेंट में। इतने भाई उस पेड़ को खींच देते हैं ट्रैक्टर से कुबोटा से, क्योंकि बमूला ज़्यादा वो हो रहा था तो दिक्कत दे रहा था, अड़ता था यहाँ पे बिल्कुल नीचे था रो में। अब जो बढ़िया खाली हो गया, कम से कम थोड़ी स्पेस हो जाएगी, इसको खींच कर देते हैं रोड पे, ये लग जाएगा बागड़ों में अपनी, इससे जो है बागड़ बन जाएगी, ढोर वोर की टेंशन नहीं रहेगी इसमें। वो देखिए वो सामने जो है खुला है, जूम कर देता हूँ, वो देखिए यहाँ पे ये कांटे लग जाएंगे, पूरे बागड़ बन जाएगी, पैक हो जाएगा, उससे ढोर वोर की टेंशन नहीं रहेगी अपने को। अभी अभी खैर इसको भराने में तो टाइम लग जाएगा, अभी शायद आधी सी कुछ हुई है, और देखो भूसा कितना बगर रहा है ऊपर से, और इसमें पीछे से भी बगर रहा है, उसमें लगाना पड़ेगा, वो जाल रखी है अभी कुछ चक्का देगी उसमें, तो देखो और टाइम लग जाएगा। और उस पार भी हो चुका है अपना खाली पेट वहाँ पे, आज और बन जाएगा भूसा, तो ये बस ना शाम तक ही चलेगी, 8-9 बजे तक आज। ये भरा चुकी है ट्रॉली, इसको खोलवा देते हैं, और लोग ये ट्रैक्टर आ ही रहा है बस, और इसको ले जाके अपन खाली करते हैं दूसरे पेड़, भटकना है दो ट्रॉली इनके में, फिर आते हैं रिटर्न। तो गाइस आज अनफॉर्चुनेटली लेटली अपने को इस ब्लॉग को यहीं एंड करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे यहाँ पे लग चुकी है, ये देखिए हाथ में यहाँ पे टाका आया है, 6 टाके आए हैं इसमें, ये देखिए ट्रॉली के बीच में हाथ आ गया था, तो उस कारण थोड़ी सी खाल जो है फट गई है हल्की सी, उसमें 6 टाके आए हैं, वो चिंता वाली बात नहीं है। मुझे देखिए ब्लड भी है थोड़ा, काफ़ी बगड़ रहा है हल्का हल्का, बहुत ब्लड लग रहा था यहाँ पर, हल्की सी सूजन है अभी भी, बट कोई चिंता की बात नहीं है, हो जाएगा, 5 या 4 दिन में खुल जाएंगे टाँके, फिर अपन डेली ब्लॉगिंग करेंगे। और इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।